SS कंप्यूटर ग्रुप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम लोग हिंदी का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं, जो कि 6 से 8 के लिए है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है इस पे इस सीरीज में निबंधात्मक, जिसका हम सीधे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी है? जिसका सही आंसर है, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है अपने कर्तव्य को। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। इसका सही आंसर होगा पहला, निर प्लस बल प्लस ता। अगला क्वेश्चन है, कायर की भाववाचक संज्ञा है, तो इसका सही आंसर है कायरता। अगला क्वेश्चन है, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? स्वार्थी। इसका सही आंसर है, हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा, वृक्षों पर कोयल कूक कर रही है, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी की कौन सी संधि है? तो सभी जानते हैं, तो दीर्घ संधि है। कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो कानन का पर्यायवाची जो होता है वन होता है, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य विग्रह का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बिनु पग चले सुने बिन काना, पर बिनु कर्म करे विधि नाना, इसका सही आंसर है, इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार जो है वो असंगति है, इसका सही आंसर है। सुई का तत्सम रूप क्या है? इसका सुई का जो तत्सम रूप होता है वो होता है सूची। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, परिसीमन का विलोम जो होता है वो निरसीमन होता है। अगला जो है, घूसर शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है गर्दब, जो होता है ये सही है, इसका सही जो आंसर है गर्दब होता है। धूतो अर्थात जीवों द्वारा देने वाला दुख के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर होगा आधिदैहिक। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ होता है, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं, इसका सही आंसर होगा। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में जो समास होता है वो बहुव्रीहि समास है। आयोग वाह कहा जाता है, इसका जो सही आंसर होगा अनुस्वार एवं विसर्ग को। एक और अजगर ही लख एक और मिगराय, विकट बिटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, तो इन पंक्तियों में जो रस होगा वो है करुण रस। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा करण। उनसे नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा अनुध्वनि विधि। निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, तो जो इसका सही आंसर होगा स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य में इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका जो लिखा हुआ है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिरहनी बावरी सी भई, ऊंच चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत उघरे गात सही, यह किसकी पंक्ति है? तो यह है मीराबाई की पंक्ति है। अगला हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो है हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंड है। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों की शैली है? तो मसनवी सूफी संतों की जो शैली है। अगला क्वेश्चन है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार जो हैं वो मैत्रेयी पुष्पा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस तट पर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 80 घाट। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचनाकार, तो इसका सही आंसर होगा नाभादास। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग सही किए होंगे। धन्यवाद।